जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञान सो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे। आज हम ए टू जेड रीजनिंग सीरीज के पार्ट नंबर 12 को देखने वाले हैं, जिसमें क्यूब को देखेंगे यानी कि घन को देखेंगे। आज का घन का सेशन दूसरा होने वाला यानी कि पार्ट टू होने वाला है। पहले पार्ट में हमने घन के बारे में पूरा फुल कंसेप्ट यानी कि थ्योरी पढ़ा था। आज हम घन के जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी टाइप क्वेश्चन को रखा है। आज इस सेशन में केवल क्यूब के क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 8 × 8 × 8 यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबा है और 8 ही चौड़ा है, और 8 ही क्या है ऊंचाई का एक घन आमने सामने की फलकों को क्रमशः लाल, हरे वह पीले रंग से रंग दी गई है। इधर लाल हो गई, येलो मतलब पीला, इधर ग्रीन मतलब हरा, है ना। 3 रंगों से रंगी गई यानी ग्रीन मतलब क्या हो गया, हरा हो गया। ओके, कहता है पश्चात 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया गया है, यानी कि जो एक बॉक्स है ना 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि प्रत्येक बॉक्स क्या है 2-2 सेंटीमीटर में कट गए हैं। क्वेश्चन पाइए, उन छोटे घनों की संख्या क्या होगी जिनके केवल दो फलकों पर, केवल दो फलकों की बात कर रहा है, लाल और पीले हों, लाल और पीले हों। पीले कौन से? ये जो कॉर्नर पॉइंट हुआ ये क्या होता है, ये 3 रंगों का होता है, तो केवल ये वाला पॉइंट ये और ये वाला, है ना, केवल ये और ये वाला। साइड क्या हो गया, साइड पीला और नीला हो गया, इसको हमें लेना नहीं, लेना है केवल लाल और पीले को। तो साइड तो 3-3 पॉइंट हो गया यानी कि ये वाला ये वाला, उसी प्रकार से ये वाला होगा और ये वाला होगा, यानी कि ऊपर तो 4 होंगे और सेम ये वाले और इस साइड भी, यानी कि ऊपर 4 होंगे और नीचे 4 होंगे, यानी कि 4 4 8। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझने वाली बात है, यानी कि ऊपर 4 होंगे और नीचे 4 होंगे, जिनके एक फल पर क्या होगा लाल होगा और एक फल पर क्या होगा पीला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 × 9 सेंटीमीटर के आकार का एक यानी कि क्यूब बनाया गया है, इसमें क्या 3 सेंटीमीटर काटे गए, यानी कि जो प्रत्येक बॉक्स कितने का 3 3 सेंटीमीटर का है ना, तो कुछ केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या बताइए, केवल एक तरफ से, है ना, कह रहा है कि केवल एक तरफ से रंगे कुल छोटे घनों की संख्या बताइए, केवल एक तरफ से। तो केवल एक तरफ से कौन हो सकते हैं, यानी कि जिनकी एक फलक क्या हो केवल रंगी गई हो, तो एक फलक कौन सी रंगी गई हो, यानी कि टोटल टोटल और रंगहीन निकाल दें, टोटल और रंगहीन अगर निकाल दें तो आसानी से क्या होंगे निकल आएंगे, है ना। तो देखिए आप टोटल की संख्या एन क्यूब, और क्या चेंज कर लेते हैं, टोटल मतलब एन क्यूब माइनस अब क्या आएगा रंगहीन, रंगहीन के फार्मूला क्या होता है n-2, क्या होता है n-2 का होल क्यूब, है ना। एन क्यूब क्या हो गया, जितने सारे क्यूब बनेंगे, एन क्यूब मतलब जितने सारे घन बनेंगे, जितने सारे क्यूब बनेंगे, अब माइनस n-2 का होल क्यूब मतलब क्या हुआ, ए किसको दर्शाता है रंगहीन, यानी कि जो रंगे ही नहीं गए हैं। तो जब टोटल में से रंगहीन को हटा देंगे तो क्या जाएगा, एक तरफ के रंगे फल आ जाएंगे, यानी जो रंगे गए हैं वो आ जाएंगे। तो देखिए एन क्यूब मतलब 1 2 3 कितने, एक जो भुजा है कितने पार्टों में डिवाइड किया, 3 भागों में, तो क्या हो रहा कि 3 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा n बराबर 3 का क्यूब माइनस n-2 यानी कि 3-2 का क्यूब। आगे 3 का क्यूब कितना हुआ 27 और 3-2 1, 1 का क्यूब -1 बराबर कितना है 26 आया, बराबर कितना है 26 आया, यानी कि रंगहीन कितने निकले एक निकले और रंगे कितने निकले 26 निकले। वही हमें रंगों की संख्या पूछ रहा है, यानी कितने के ऊपर रंग लगे होंगे, तो कितने आए 26 आए। नेक्स्ट कह रहा कि 9 × 9 सेंटीमीटर आकार का एक घन बनाया गया है, कह रहा कि प्रत्येक सतह पर पीले रंग रख दिए गए, यानी प्रत्येक पर कोई दूसरा रंग नहीं केवल पीला पीला ही है, और 3 3 सेंटीमीटर में काट दिया गया, यानी कि जो प्रत्येक बॉक्स है ना 3 3 सेंटीमीटर के हैं। अब कह रहा कम से कम 2 फलक से रंगे हुए घनों की संख्या, क्या कह रहा है कि कम से कम 2 फलक, जब कम से कम बात कर देना
तो कम से कम मतलब क्या होता है, कम से कम दो फलक, यानी कि जिसपे जिसकी दो फलक रंगी गई वो भी, और जिसकी तीन फलक रंगी गई हैं वो भी, कम से कम दो फलक, यानी कि दो वाला भी और तीन वाला भी। तो दो वाले के लिए हम क्या करते हैं, साइड इंटू एन माइनस दो, इसके लिए फार्मूला। और थ्री वाला क्या होता है, आठ कॉर्नर होते हैं। आगे देखिए आप, साइड कितनी है, 12, 12 इंटू एन, एन का मान कितना हुआ, एक दो तीन, यानी एक भुजा में कितनी बार काटा गया, 3 बार, एन मतलब तीन, यानी कि 3 माइनस 1, और प्लस क्या आएगा, 8, यानी कि 8 क्या होता है, ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये वाले और ये वाले, तो टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी कि ऊपर 4 नीचे 4 और साइड के 4, कितने, यानी कि ऊपर 4 नीचे 4, 8 कोने होते हैं, कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं, वही कोने जो है 3 रंगों से रंगे होते हैं। तो कम से कम दो बोला है, यानी कि दो वाले भी आएंगे और तीन वाले भी आएंगे। देखिए आप, तीन में से दो, तीन में से एन माइनस टू है ना, सॉरी एन माइनस कितना है, 2 है। तो देखिए, तीन में से दो या एक बचेगा, यानी 12 करना 12, अब 12 8 कितना हुआ, 20 हुआ, कितना हुआ, 12 8 20, यानी कम से कम दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे कोनों की संख्या कितनी आएगी, 20 आएगी, यानी कि 12 आएगी कि जिसमें दो तरफ के रंग लगे हों, 8 आएगी जिसमें तीनों तरफ हों, तो कहना 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर सेम वही जो क्यूब हमारा है, कह रहा है कि दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, क्या कह रहा है कि दो तरफ से, तो दो तरफ से के लिए हमने फार्मूला क्या लिखाया था, कि साइड इंटू एन माइनस टू, साइड इंटू एन माइनस टू, ये क्या निकल के आएगा, दो दो साइड के लिए आएगा। तो साइड कितनी होती है, यानी भुजा कितनी होती है, 12 इंटू एन का मान, एक दो तीन, यानी एक भुजा 3 भागों में डिवाइड की गई है, तो ये बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, 3 माइनस 2, तो कितना आएगा, 12 इंटू 1, कितना आएगा, 12, 12 इंटू 1 कितना आएगा, 12 आएगा, यानी कि दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटो घनों की संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी, है ना। आगे आगे देखिए आप, सेम क्यूब में क्या कह रहा है, कि तीन तरफ से रंगे हुए कुल छोटो घनों की संख्या कितना, 3, तीन तरफ से, तो तीन तरफ से कौन रंगे जाते हैं, वही कोना रंगा जाता है। तो कॉर्नर कितने होते हैं मेरे भाई, कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, तो तीन तरफ से कितने घन रंगे जाएंगे, केवल 8 रंगे जाएंगे, है ना, तीन तरफ से केवल कॉर्नर रंगे जाते हैं। तो कॉर्नर होते कितने हैं, 8, तो 8 ही तो रंगे जाएंगे, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कह रहा कि सेम क्यूब में क्या कह रहा है, कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, कितने, कुल छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है, एन क्यूब। एन क्या होता है, वो जितने छोटे छोटे घन बनने हो, तो प्रत्येक भुजा कितने बनने हैं, एक दो तीन, प्रत्येक भुजा कितने, 3 घन बनने हैं, तो क्या होगा, 3 क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। 3 क्यूब का मान कितना होगा, 27 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर है। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जब एक भुजा पे 3 बनने हैं तो क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, यानी कि उसके वॉल्यूम के बराबर तो होगा, तो क्या हो जाएंगे, 27 हो जाएगा, यानी कि एन क्यूब। आइए ये पॉइंट कह रहा है कि एक लकड़ी के घन 4, 4 ने 3 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3 माना जाएगा, है ना। आसन फुलकों पे नीले व दो विपरीत, यानी कि कह रहा है कि नीले रंग और यानी कि दो विपरीत रंग, यानी कि ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पर क्या है, ग्रीन है, और इसके नीचे भी क्या है, ग्रीन है, इसका कहने का मतलब यह है, पेंट किया गया है, उसके बाद ऊर्ध्वाधर जो है भागों पर, यानी कि इस साइडों में ये क्षैतिज होता है, ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, यार भागों पर आकृति पर अनुसार काटा गया है, नीचे टूटी हुई आकृति की रेखा काटे जाने पर आकृति का ऊर्ध्वाधर और इसी तरह। फिर क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करें जिनके कम से कम 3 फलक पर पेंट किया गया, कम से कम 3 फलक, तो कम से कम जब 3 फलक की बात कर रहा है, तो क्या 2 फलक वाले आएंगे, क्या 1 फलक वाले आएंगे, नहीं आएंगे, कम से कम 3, यानी कि 3 फलक तो रंगे ही हो, तो मैक्सिमम क्यूब में मैक्सिमम 3 ही फलक रंगे ही जाते हैं, तो 3 कौन से रंगे जाते हैं, केवल कॉर्नर रंगे जाते हैं, केवल कॉर्नर ही रंगे जाते हैं, तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं,
आंसर नंबर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, यानी कम से कम 3 प्लग मतलब एट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुल मिलाकर कितने घन बनेंगे, कुल मिलाकर कितने घन, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ फॉर्मेट। तो एक भुजा पे कितने कट रहे हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा एन का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 27 हो जाएगा। कुल मिला कितने घन बनेंगे, 27 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक फलक पर हरा रंग से पेंट किया गया, यानी एक, तो ग्रीन किस पर था, केवल ऊपर वाले पर था। क्वेश्चन के स्टार्टिंग देखिए कह रहा है कि दो विपरीत फलक यानी कि ऊपर और नीचे यानी कि हरे रंग से पेंट किए गए हैं, यानी कि ऊपर नीचे हरा, यानी कि ऊपर और नीचे हरा, ऊपर और नीचे हरा, ऊपर भी हरा होगा नीचे, अब साइड में तो कुछ नीले रंग है, तो जब ऊपर नीचे हरे आएंगे तो ऊपर दो और नीचे यानी ऊपर एक नीचे कितने दो जाएंगे, और दो साइड के तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी कि दो दो कितना हुआ 4, यानी कि एक तो ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा, एक भी साइड का होगा, एक उस साइड का होगा, एक इसके नीचे होगा, तो कितने टोटल आएंगे, 4 आएंगे। यानी कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल एक फलक यानी सिंगल फलक पर क्या आएगा, हरा रंग आएगा, तो बीच में ही आएगा, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऐसे कितने घन हैं जिनका केवल एक फलक नीले रंग से पेंट किया गया, जिनका केवल एक फलक क्या हो, नीले रंग से पेंट किया गया हो, तो हरा तो ऊपर नीचे साइड में था और पीला क्या था, सामने था, यानी कि इस जगह था, पीला मतलब नीला मतलब ग्रीन, ग्रीन कहाँ था, सामने था, है ना, पीला तो ब्लू होता है ना मेरे भाई, तो ब्लू तो सामने था, तो सामने आएगा और जस्ट इसके पीछे आएगा, जो हरा था ऊपर नीचे इन साइडों में आ रहा था, अब ब्लू क्या आएगा, सामने भी आएगा और इसके सामने जस्ट पीछे, यानी एक तो सामने आ गया, एक इससे क्या हो गया, एक इसके पीछे ब्लू आएगा, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा लेकिन आप लोग समझिए, यानी कि ऊपर और नीचे साइड दोनों साइड हरा आ रहा था और सामने रंग कलर किसे क्या गया, ब्लू किया गया, तो सिंगल यानी कि एक ये जो पॉइंट आएंगे कौन से, ये वाले, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनका तो जो फलक हो जाए 3-3 कलर होते हैं, ये सारे 3-3 रंगों से रंगे होते हैं, यानी कि इनकी 3-3 फेसें रंगी होती हैं, है ना, और ये जो आते हैं ये वाले, इनकी 2-2 फेस रंगी होती हैं, तो सिंगल कौन सा बचा होता है, केवल यही बीच वाला, सिंगल रंग से कौन बचा होता है, केवल बीच वाला, यानी केवल यही पॉइंट बीच वाला बचा होता है, इसमें केवल सिंगल रंग लगा होता है, लेकिन आगे पीछे केवल ब्लू है ना, तो एक आगे होगा एक पीछे होगा, कितना टूटेंगे, 2 आएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करें जिनका कोई भी फलक पेंट नहीं किया गया, यानी कोई फलक क्या कह रहा हो, पेंट नहीं किया गया हो, जब कोई फलक की बात करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई क्या कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करें जिनका कोई भी फलक पेंट ना किया गया, यानी कोई फलक क्या हो, पेंट ना किया गया हो, तो देखिए किसी बात कह रहा है, तो उसके लिए कि रंगहीन के लिए फार्मूला हमने क्या लिखा था, यानी कि रंग रंगहीन 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 का फार्मूला क्या है, n-2 का होल ऑफ क्यूब, इस फार्मूले में रखते हैं, n का मान कितना, 1 2 3, यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया गया, n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 2 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 का क्यूब बराबर क्या आया, 1 आया, 1 का क्यूब बराबर क्या आया, 1 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ना, यानी जिसकी कोई फलक पेंट है वो कौन, उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक घन सभी फलकों को लाल रंगों से पेंट किया गया, यानी जितनी सारी फलक दी हुई ना ओवरऑल कैसे रंगी है, लाल रंगों से, कैसे ये सारी लाल रंगों से पेंट की गई हैं, और इसके 64 बराबर आकार छोटे छोटे घनों काटा गया, यानी कि 64 यानी कि एन क्यूब बराबर कितना हो गया, 64 हो गया, यानी कि
64 क्या हुए, 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, यानी कि एन क्यूब बराबर कितना हो गया 64 हो गया। तो यहाँ से एन बराबर क्या आएगा 4 आएगा, जब एन क्यूब बराबर 64 तो एन बराबर क्या आएगा 4 आएगा। आगे क्या, ऐसे कितने घन हैं जिनके फलक पेंट किए हुए नहीं हैं, ऐसे कितने फलक हैं जिनके पेंट किए हुए नहीं हैं, तो यानी कि रंगहीन बात कर, ऐसे कितने घन हैं जिनके फलक पेंट किए हुए नहीं हैं, पेंट के मतलब रंगहीन। तभी हमने जस्ट क्या लिखा है रंगहीन के फार्मूला, रंगहीन के लिए फार्मूला मैंने क्या लिखा है, रंगहीन देखिए आप, रंगहीन रंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, एन माइनस टू का होल क्यूब, एन माइनस टू का होल क्यूब, एन बराबर क्या होगा 1 2 3 4, यानी कितने 4 भागों में काटा गया, यानी कि एन बराबर हमने एन का मान हमने 4 यहाँ से लाई दिया था ना, यहाँ भी गिन सकते हैं 1 2 4, यानी कि 4, तो एन माइनस टू यानी 4 माइनस 2 का क्यूब, तो एन 4 में से 2 जाएगा कितना 2 बचेगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 2 का क्यूब कितना होता 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि 8 ऐसे फलक होंगे जिन पर क्या होगा पेंट नहीं किया गया, वो रंगहीन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक फलक पेंट किया गया, कितना केवल एक सिंगल फलक क्या है पेंट की गई है ना, सिंगल फलक क्या हो गई पेंट की गई होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल फलक के लिए क्या होता है साइड्स, यानी कि सिंगल फलक की बात कर रहा है ना, सिंगल फलक के लिए फॉर्मूला हमारा होगा टोटल जो हमारी होंगी सिंगल फलक, देखिए आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देते हैं, ये हमारी 3 3 हो गई, ये सारे कोने क्या हो गए 3 3 हो गए, ये जो बीच के हुए ये वाले कौन से ये वाले, ये डबल डबल हो जाते हैं साइड साइड डबल डबल हो जाते हैं, तो कौन से बच्चे बीच में कौन से बच्चे सिंगल वाले, एक तो ये बच्चा, एक तो ये बच्चा, एक ये बच्चा और एक ये बच्चा, कितने बच्चे 4, 1 2 3 4, कितने बच्चे 4 बच्चे ना, तो जब एक फेस पे 4 बच्चे तो टोटल फेस कितनी होती हैं 6, तो कितना 6 चौक 24, कितना हो गया 6 चौक 24। अब फार्मूले की बात करें तो होगा फेस इंटू एन माइनस टू, इस फार्मूले का यूज करेंगे, देखिए ये जितने कोने होते हैं ये तो 3 3 रंग वाले होते हैं, यानी कि इनकी जो 3 3 फल के रंगी होती हैं है ना निकल गए, अभी जो बीच वाले आ गए ये दो, यानी कि ये वाली फेस और ये वाली फेस डबल डबल सेम, ये वाली फेस और ये वाली फेस सबकी क्या डबल डबल, अभी जो बीच वाले 4 आ गए ना ये सिंगल सिंगल होते हैं, तो जब 4 सामने आ गए तो 4 पीछे होंगे, 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे, 4 इस साइड 4 इस साइड, यानी कि टोटल कितनी फेस हुई 6 हुई, तो कितना 6 चौक 24, यानी कि फेस एन माइनस टू कितना आया 24 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो विपरीत फलके लाल रंग से रंगी हो, यानी कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो विपरीत फलके, जो दो विपरीत फलके यहाँ कह रहा था, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक फलक पेंट की, यानी एक सिंगल की बात कह रहा, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी दो फलक विपरीत फलक, यानी कि सामने वाली और पीछे वाली, तो कभी दो फलके जो है विपरीत कलर नहीं होती, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0 है, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी घन को काटा जाएगा ना तो उसके केवल सिंगल ही फलक क्या है रंगी हुई जाएगी, यानी कि ऊपर से रंगी अंदर थोड़ी रंगी जाएगी, यानी कि केवल 0 होता है, यानी कि विपरीत फलक कभी क्या होती है कभी रंगी हुई नहीं होती है, बैक वाली विपरीत क्या होती है रंगहीन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ऐसे कितने घन हैं जिनके तीन फलक पेंट किए हैं, जिनके तीन फलक, तो तीन फलक हमेशा कितने होते हैं कॉर्नर वाले के होते हैं, तो कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो जब 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 ही तो रंगे जाएंगे है कि नहीं, ऐसे है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।